हेलो माय लवली वीवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल भुक एंड कुक। तो आज के इस वीडियो में हम बना रहे हैं एक स्वीट रेसिपी बालूशाही। ये फर्स्ट अटेम्प्ट में ही बहुत परफेक्टली बन जाता है, साथ ही इसे बनाने के लिए बहुत कम इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है। तो आप इसे किसी भी स्पेशल ओकेशन पर ज़रूर ट्राई कीजिए एंड आई होप आपको हमारी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि हमारे वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलते रहे। तो चलिए इसे बनाते हैं। इसे बनाने के लिए हमने ली है चीनी, दही, मैदा, घी, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा। तो इसे बनाने के लिए हमने लिया है मिक्सिंग बोल। इसमें हम डाल देते हैं पहले घी। हम 4 चम्मच घी ले रहे हैं। आप चाहे तो कोई भी घी ये ले सकते हैं, देसी घी का भी यूज़ कर सकते हैं आप। नेक्स्ट इसमें हम डाल रहे हैं 2 बड़े चम्मच दही। हमने खट्टा दही लिया है ये, और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। नेक्स्ट हम इसमें डाल रहे हैं 1 कप मैदा और साथ ही में हमने लिया है 1 पिंच बेकिंग पाउडर और 1 पिंच बेकिंग सोडा। दोनों सेम मेजरमेंट से लें आप। और अब हम इसे अच्छी तरह से हाथों से मिक्स कर लेंगे और इसका एक डो रेडी कर लेना है। तो देखिए इस तरह से आप पंचेस लगा के सॉफ्ट डो रेडी कर लें। हमें पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है इसमें, ये दही और घी से ही बन जाता है। तो देखिए ये रेडी हो गया। इसे हम कवर करके रख देंगे 15 मिनट्स के लिए। तो 15 मिनट्स के बाद आप देखेंगे ये थोड़ा सा फूल जाएगा और सॉफ्ट भी हो गया है। अब हम इसकी बालूशाही बनाना शुरू करेंगे। उसके लिए आप पहले इस तरह से पेड़ा बना लें, चिकना कर लें। ध्यान रहे उसमें कोई भी क्रैक्स ना रहे, कोई भी दरार ना रहे। और अब फिंगर के हेल्प से हमें इसमें होल करना है मेंदू वड़े की तरह। तो देखिए इस तरह से हम इसको शेप देंगे। इसी तरह देखिए हमने बाकी की बालूशाही भी रेडी कर ली है। और अब हमने पैन में ऑयल हीट करने के लिए रखा है, फ्लेम को लो करना है और फिर हमें इसे फ्राई करने के लिए डाल देना है। ध्यान रहे आपको इसे लो फ्लेम पर ही फ्राई करना है, हाई फ्लेम पर ये टूट सकते हैं। और इसे 5 से 10 मिनट के लिए फ्राई करें। देखिए इसका कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया है। अब हम इसे टर्न कर लेंगे सो दैट वो दोनों साइड से अच्छी तरह से फ्राई हो जाए, गोल्डन कलर आ जाए। तो देखिए अब ये दोनों साइड से फ्राई हो गए हैं। अब हम इसे निकालना शुरू करते हैं। तो अगर आप इन बालूशाही को परफेक्ट मेजरमेंट्स के साथ बनाओगे तो ये बहुत परफेक्ट बनेगी, बिल्कुल हलवाई की तरह। तो देखिए हमने इसे निकाल लिया है। अब हमें इसके लिए बनाना है चाशनी। हम शुगर सिरप रेडी करते हैं। हमने लिया है 1 बॉल पानी और उसमें डाल देते हैं 1 बॉल चीनी और इसका एक सिरप रेडी कर लें। हमें इसकी जो चाशनी चाहिए वो गुलाब जामुन की चाशनी से थोड़ी थिक चाहिए। तो देखिए चीनी मेल्ट हो गई है अच्छी तरह से, इसे थोड़ा और थिक होने दें, इसलिए हम थोड़े टाइम के लिए और पकाएंगे इसे। अब हम इसमें नींबू की कुछ बूंदें डालेंगे ताकि ठंडे होने पर वो क्रिस्टलाइज ना होए। तो देखिए चाशनी रेडी हो गई है। अब इस चाशनी में हमें डालना है सभी बालूशाही को। ध्यान रहे चाशनी बहुत ज़्यादा गर्म ना हो। और बालूशाही को इस चाशनी में हम डिप कर देंगे। 5 से 10 मिनट के लिए हम इसे चाशनी में ही रहने देंगे। बहुत ज़्यादा टाइम आप इसे चाशनी में ना रखें क्योंकि ये बहुत नरम हो सकती है। तो देखिए हमारी बालूशाही रेडी हो गई है। मैं आपको तोड़कर बताऊंगी। देखिए ये बहुत ही खस्ता बनी है और अंदर से बहुत ही जूसी भी है। तो आप सभी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए।
और अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। और हाँ, कमेंट करना नहीं भूलना।